Like, subscribe and press the bell icon to get notified. तो चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय फयाज कटी। आज हम बात करेंगे जो डिफरेंट टॉपिक है हमारा होम्योस्टेसिस चैप्टर से लेके जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो उसमें आता है तो वो है कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ओके, आज हम ये दो टाइप्स के नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि नेफ्रॉन क्या होते हैं। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द किडनी, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मींस हर चीज जो है करवाने के लिए, यूरिन ब्लड को फिल्टर करवाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं। अब नेफ्रॉन के दो टाइप्स होते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। उससे डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नेफ्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशंस क्या होती हैं और किडनी के अंदर होते हैं मौजूद, किडनी के अंदर किस तरह से कहां पे मौजूद होते हैं। देखें, ये एक किडनी है, ठीक है। किडनी के पास दो मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है बाहर वाला, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं कोर्टेक्स, क्लियर। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं मेडुला, क्लियर। एक होता है कोर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। अब जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, ठीक है। अब इसके अंदर कहां पे पाए जाते हैं, किडनी के और भी हिस्से होते हैं, हमने पहले डिस्कस किए हैं मेडुला वगैरह, पायरामिड्स वगैरह, लेकिन हमारा अभी फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए। अब इसके अंदर भी नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, इस तरह से नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसमें ये कोर्टेक्स है और ये मेडुला है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन वो होते हैं जिनका ज्यादातर जो पोर्शन होता है कोर्टेक्स के अंदर होता है, उसको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहां पर देखें, इसका जो है नेफ्रॉन के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा जिसको कहते हैं लूपा फेनल, ठीक है, इसका बहुत बड़ा है और नीचे ज्यादातर जो है मेडुला में, इसका भी बड़ा है मेडुला में, इसका थोड़ा कम है, इसका भी कम है। तो इसका जो तकरीबन जो है थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो मेडुला के अंदर, बाकी ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो कोर्टेक्स के अंदर होता है, तो उनको कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, जिनका ज्यादातर हिस्सा जो है कोर्टेक्स के अंदर होता है उसको कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, या यूं कह लें जिनका लूपा फेनल छोटा होता है, ठीक है, उनको कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब वो नेफ्रॉन जिसके अंदर जो है लूपा फेनल बड़ा होता है, मींस उसकी लेंथ जो है ज्यादा जो है मेडुला में होती है, उसको कहा जाता है मेडुलरी नेफ्रॉन। आई होप यू हैव क्लियर दिस, ठीक है। जिसके अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन उसको कहते हैं जिसके अंदर जो है वो नेफ्रॉन जो है कोर्टेक्स में होते हैं ज्यादातर हिस्सा, मेडुलरी नेफ्रॉन वो जिनका हिस्सा ज्यादातर जो है वो इसके अंदर होता है मेडुला के अंदर। अब यहां पे हम इसकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम क्या होता है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम क्या होता है। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमने लिख लिया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये नॉर्मली जो हमारा फंक्शन होता है किडनी के अंदर उसके लिए ये काम आते हैं। ये नॉर्मली से हटके एडवर्स कंडीशन जब हो जाती है तब ये काम आता है, ठीक है, इनके बीच में फर्क। अब इन दोनों चीजों को पढ़ने के लिए मैं और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता चाहूं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर जो है फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे बाउमन स्क्रिप्चर के अंदर, उसके बाद प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल के अंदर एब्सॉर्प्शन होती है, रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है, और नीचे है लूपा फेनल। लूपा फेनल का काम क्या होता है, लूपा फेनल के अंदर वाटर की रीएब्सॉर्प्शन वापस ज्यादा होती है बॉडी के अंदर,
तो जितना लूपा फेनल बड़ा होगा उतना जो है पानी ज्यादा वापस ब्लड के अंदर जाएगा और उतना जो यूरिन जो होगा वो कंसंट्रेट पैदा होगा। वापस सुने, जितना लूपा फेनल जो है बड़ा होगा उतना पानी जो है वापस जो है एब्सॉर्ब होगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर ज्यादा पानी एब्सॉर्ब होगा और जो यूरिन होगा उसमें पानी कम रहेगा, तो वो यूरिन कहलाएगा कंसंट्रेटेड यूरिन। तो इसका मतलब यह है वो ऑर्गेनिज्म जो पानी को अपने अंदर बचाना चाहते हैं, मींस हमारी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा रहे, यूरिन की वजह से पानी जो है बाहर ना निकल जाए, ठीक है, ज्यादा यूरिन में मिलके और हमारा यूरिन जो कंसंट्रेट निकले, तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादा फंक्शनल या नॉर्मली जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि पानी को कंजर्व करवाने के लिए। तो इसका मतलब यह है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या करवाते हैं, कंजर्व करवाते हैं वाटर को। ठीक है, और ये जो है नॉर्मल वाटर को करवाते हैं, ये जो है एडल्ट्रेट वाटर या इसको डाइल्यूट यूरिन जो है करवाने के लिए रिस्पॉन्स करवाते हैं। मीन्स ये अब डिफरेंस की बात करें तो ये डू नॉट कंजर्व वाटर, डू नॉट कंजर्व वाटर, पानी को इतना कंजर्व नहीं करते। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये यूरिन जो प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नॉर्मल यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मींस वो ऑर्गेनिज्म जो जंगलों में रहते हैं, डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, जिनको पानी की बहुत कमी है, बहुत मेहनत से पानी जो है कहीं से हासिल करते हैं, अगर वो भी इनके अंदर जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा हो तो पानी इनका वापस रिमूव हो जाएगा, ठीक है, बॉडी यूरिन के फॉर्म में। तो उनके अंदर जो मेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा एक्टिव होते हैं वो ज्यादा होते हैं ताकि उनका पानी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बॉडी के अंदर वापिस आ जाए और यूरिन जो है कंसंट्रेटेड निकले। इस तरह से जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। यूरिनरी सिस्टम क्या है, इसके लिए वीडियो अलग से पहले मैंने जो है अपलोड की हुई है और बहुत लोगों ने लाइक की है, आप वो भी देखिएगा तो आपको फायदा होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह दूसरों को भी फायदा होगा। शुक्रिया।